डियर स्टूडेंट्स, आज हम बोरो वाले सम सीखेंगे, यानी बोरो रिटर्न कैसे करते हैं या बोरो रिटर्न वाले सम एबेकस पे कैसे सेट होते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट सम है 5, 5 डायरेक्ट हो रहा है, नेक्स्ट -9। देखिए 5 स्मॉल डिजिट है, इसमें से -9 पॉसिबल नहीं है। इन सिचुएशन हमारे 4 के 4 ऑप्शन जो है किसी भी डिजिट को सेट करने के लिए, डायरेक्ट, बिग, स्मॉल और कॉम्बिनेशन, इनका यूज नहीं हो पाया। इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो पे बोरो लेते हैं। जब स्मॉल डिजिट में से बिग डिजिट माइनस करना हो तो हमें नेक्स्ट रो पे बोरो लेना है। बोरो लेने पे -9 बिग फ्रेम से पॉसिबल होगा, +1 -8। 2 डायरेक्ट, -3 डायरेक्ट, 8 कॉम्बिनेशन। हमारा सम एंड हो गया, बट हमारा आंसर अभी नहीं आया क्योंकि हमने सम को कंप्लीट करने के लिए बोरो लिया था। ठीक है, और जब हम बोरो रिटर्न कर देते हैं तो हमारा सम जो है उसका आंसर आएगा। क्या हम पॉसिबल है, यानी कर सकते हैं कि बोरो रिटर्न हो जाएगा? अगर पॉसिबल है तो हम बोरो रिटर्न करेंगे। अगर बोरो रिटर्न हो जाता है इट मीन्स आंसर प्लस में आएगा, और बोरो रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम बोरो रिटर्न कर सकते हैं, बोरो रिटर्न किया तो आंसर प्लस में आया 3। नेक्स्ट सम 4 डायरेक्ट 1 स्मॉल फ्रेम, -7 स्मॉल डिजिट है, तो नेक्स्ट रो पे बोरो लेंगे, और -7 बिग फ्रेम, +3 -10, 8 बिग फ्रेम, 5 बिग फ्रेम। हमारा सम एंड हो गया बट हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने बोरो लिया था, और बोरो रिटर्न करना है, कर सकते हैं। जब बोरो रिटर्न किया तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, अगर हम बोरो रिटर्न नहीं कर पाते हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो इस समय बोरो रिटर्न हो गया, आंसर इज 11। नेक्स्ट 8 -6 डायरेक्ट, 3 स्मॉल फ्रेंड, 1 -9 स्मॉल डिजिट है, नेक्स्ट रो पे बोरो, +1 -10। हमने बोरो लिया है, सम एंड हो गया, बोरो रिटर्न करना पड़ेगा बट पॉसिबल नहीं है, बोरो रिटर्न नहीं हो सकता। जब बोरो रिटर्न नहीं होगा तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जिस रोड पे हमने बोरो लिया था उस रोड से पहले जो रोड है उसमें माइनस में क्या है। यहां देखिए प्लस में 7 है और माइनस में 2 है। ये जो 2 है इसमें, ना कि अबेकस में जो 7 है उसमें नहीं, इस 2 में हम प्लस 1, ओरल मेंटल की तरह ओरली हम है ना 2 में प्लस 1 करेंगे। जब भी हम बोरो रिटर्न नहीं कर पाएंगे हम प्लस 1 करेंगे, जो माइनस में डिजिट है उसमें प्लस 1 करेंगे। तो यहाँ माइनस में 2 है तो प्लस 1 किया तो -3, यानी आंसर को हम माइनस में फिलअप करेंगे। यहाँ पे आंसर आएगा -3, अबेकस में -2 है तो हम -3 फिगर। ठीक है, नेक्स्ट सम 2 डायरेक्ट, -7 स्मॉल डिजिट है, नेक्स्ट रो पे बोरो, कॉम्बिनेशन से -7, 5 बिग फ्रेंड, 6 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट, और हमारा सम एंड हुआ बट आंसर नहीं आया क्योंकि हमने बोरो लिया था, और बोरो रिटर्न कर सकते हैं तो आंसर प्लस में आ गया 9। नेक्स्ट 9 डायरेक्ट, -6 डायरेक्ट, -8, नेक्स्ट रो पे बोरो लेना पड़ेगा, स्मॉल डिजिट है, -8 कॉम्बिनेशन, 1 2। सम एंड हुआ बट हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि हमने बोरो लिया था, उसे रिटर्न नहीं कर सकते तो आंसर माइनस में आया। माइनस में देखेंगे क्या है, 10 स्ट्रोक पे बोरो लिया था तो 1 स्ट्रोक पे माइनस पे देखना है, माइनस में 1 है प्लस में 8 है, तो माइनस में 1 है तो आंसर -2, यानी बढ़ा के एक नंबर अपनी ओर से करते हैं इसमें, तो -2। तो हमें ये चीज सीखने को मिली, ये चीज क्लियर हो गई कि बोरो रिटर्न कर देते हैं तो आंसर प्लस पे आते हैं, और बोरो रिटर्न नहीं कर पाते तो जो जिस रोड पे बोरो लिया था उस रोड से पहले जो रोड है, बिफोर जो रोड है उसपे माइनस में क्या है, जो भी माइनस में है उसमें प्लस 1 करके आंसर को माइनस में फिलअप करता है,
जैसे माइनस में 4 है तो माइनस 5 आंसर आएगा, माइनस में 3 है तो माइनस 4 आएगा, माइनस में 8 है तो माइनस 9 आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बोरो रिटर्न किया तो प्लस में आंसर और बोरो रिटर्न नहीं किया तो माइनस में आंसर। ओके, अब देखिए हम इसके बाद अब टू डिजिट वाले सम हम देखते हैं यहाँ पे।